हमारे बुजुर्गों की तारीख थी और वो इस तरह मुस्लिम इत्तेहाद के तरीके के ऊपर रहते थे। हजरत शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने इस इत्तेहाद की तालीम दी थी। जब आप माल्टा की जेल से वापिस आए हैं, हजरत का ये मकबूला किताबों के अंदर मौजूद है, फरमाया कि मुल्क की आजादी तने तनहा मुसलमान की कोशिशों से नहीं हो सकती। ये जरूरी है कि अगर मुल्क को इंग्रेज के चुंगल से निकालना है तो ये तहरीक हिंदू मुस्लिम तहरीक बननी चाहिए। और ये फरमाया, और अगर खुशकिस्मती से सिखों की जंगजू कौम भी साथ आ जाए आजादी वतन की तहरीक में, तो आजादी वतन और भी आसान होगा। मौजूद है इस तरीके के ऊपर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ ये लोग आगे बढ़े हैं और मुल्क को आजाद कराया है। ये तो बदकिस्मती की बात है कि मुल्क आजाद भी हुआ और इसके बाद तकसीम हुआ। मेरे भाई, इस तकसीम की दास्तान का कहने वाले लेकिन ये बर्बादी का सबक बन गया पूरी कौम के लिए नहीं, मैं कहता हूं हिंदू मुसलमान सबके लिए। न ये मुल्क अपनी आजादी पर भाई कसर की इकतियात में बर्बाद और तबाह, एक डॉलर की कीमत 250 पाकिस्तानी रुपए। न ये मुल्क बांग्लादेशी आए हुए हैं और बड़े अच्छे समझदार लोग हैं दिल्ली के अंदर, उनसे बात होती है वे कहते हैं ये खतरा है कि कहीं चंद ही महीनों के अंदर मुल्क वहां ना पहुंच जाए जहां सिलेंडर का पहुंचा हुआ है। हम अपने इस मुल्क में बैठे हुए हैं, हम ये समझ रहे हैं कहीं आने वाले दिलों के अंदर हमारा भी हक नहीं। सारे मुल्क, तीन मुल्क, अगर ये तीनों मुल्क मुत्तहिद होते तो आज ये सूरत न पेश आती कि चाइना सर पर खड़ा हुआ और हिंदुस्तान के अंदर घुस रहा है और हिंदुस्तान की हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही है। और अब इसके डिबेट करके बातचीत करें, कोई चीजें छुपी हुई जगी हुई थोड़ी ही है। अगर वो ताकत एक होती तो आज रूस और चीन के हम पल्ला हिंदुस्तान होता, लेकिन आज नहीं है। मेरे भाई, ये वो सूरत है जो हमारी तारीख है और हम ये सोचते हैं कि इस तारीख का बहुत बुनियादी पहलू ये है कि हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों ने मजहब की बुनियाद पर तफरीक नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर सबके हाथ को पकड़ा है और पकड़ कर आजादी वतन के लिए लेकर चले। आज वो कौम जिसने सबसे पहले आजादी वतन का नारा दिया था, आज वही कौम देश विरोधी कही जाती है। उनके जवानों को पकड़ा जाता है, पूरे मुल्क के अंदर तस्वीर मुसलमान की यह है कि मुल्क मुखालिफ है। इसकी तारीफ इसने किया क्या है? मुल्क का सबसे बड़ा वफादार है, जिसके बुजुर्गों ने अपनी जान दी है, आज उनकी औलाद मुल्क विरोधी कैसे हो सकती है? मुल्क के साथ गद्दारी वो लोग कर रहे हैं जो मोहब्बत की जगह नफरत को पैदा कर रहे हैं, जो इंसानियत के नाम पर नहीं मुल्क को मजहब के नाम पर चलाना चाहते हैं वो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुल्क की बर्बादी, तंगी, गुर्बत, इफलास ये बता रहा है कि जिस रुख को सियासत के तुमने अपनाया है वो मुल्क को दफन करने वाला है, मुल्क को चराने वाला नहीं है। अगर तुम प्यार और मोहब्बत के साथ चलोगे तो ये मुल्क चलेगा। जिन लोगों ने चलाया प्यार और मोहब्बत के साथ, उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों साल मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। तुमने नफरत की सियासत चलाई है, तुम 10 साल भी मुल्क के अंदर चैन और सुकून और नमान को पैदा नहीं कर पाए। मुसलमान की जिंदगी ये जो हमने पेश की है, जो हमारे अकाबिर ने पेश की है, वो प्यार और मोहब्बत की जिंदगी है। जो तुम पेश कर रहे हैं वो नफरत की सियासत है, मुल्क की बर्बादी की सियासत है, अमन अमान और चैन सुकून की सियासत नहीं है। मेरे भाई, ये हमारी तारीख है।
मुल्क हमारा है, सबसे ज्यादा अगर तो दिल हमारा तड़पता है। देख हमारे सामने हमारे बुजुर्गों की ये तारीख है जिसको मैं पेश करता हूँ, और मैं ऐलान कह रहा हूँ, यहाँ हुकूमत के लोग भी बैठे हैं, वो जानते नहीं है जो मेरी इस बात की मुखालफत करें। तारीख को देखें, पढ़ें, सुनें, समझें, मैं जो कह रहा हूँ एक एक हर्ब मेरा सही है, देखकर कह रहा हूँ, पढ़कर कह रहा हूँ, उस खानवादे से ताल्लुक रखता हूँ जिस खानवादे ने अपनी जिंदगी के 8-9 साल जेलों के अंदर गुजारे हैं। मेरा बाप जेल के अंदर गया और 9-10 साल गुजारे, मेरा चचेरा भाई माल्टा की जेल के अंदर रहा, उसने अपनी जिंदगी गुजारी है। कौन माई का लाल है, आज कोई अपनी तारीख को तो पेश कर दे, इन्होंने क्या फली फोड़ी है मुल्क की आजादी के लिए। ये मुल्क की वफादारी थोड़ी है कि तिरंगा झंडे लेकर के 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000 तकसीम करा दो ये मुल्क के हीरो बन गए, नहीं ये बात नहीं है। ये बताओ क्या आजादी है वतन के लिए, क्या पापड़ बेले, हमने पापड़ बेले हैं, हम जानते हैं कि किसे कहते हैं, हमने बर्दाश्त किए। दारुलूम का ये कयाम आजादी वतन के लिए किया गया है। जो आज का फिरका परस्त इसको मुखालफत करता है वो पागल है, दीवाना है, वो जानता नहीं कि दारुलूम की जड़ो दीवार से आजादी वतन के लिए क्या आवाज निकल रही। मेरे भाई ये हमारी तारीख है, मैं इस तारीख को आपके सामने पेश करने के लिए मैंने ये समझा, मैं नहीं पेश करता हूँ कि मोहसिन साहब ने मुझे मजबूर किया था कि नहीं इसको करो इसको कहो, मैंने ये बात कही है और मैं कह रहा हूँ मुझे फख्र है, ये फख्र है कि आज तो आज आप आजादी वतन के लिए आवाज ना उठाते, और अगर आपने आवाज उठाती है तो उठाइए, तो जिस तरह आपको यह हक है कि आप आजादी वतन के अपने सूरमाओं का जिक्र, मुझे यह हक है कि मैं अपने सूरमाओं का जिक्र, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस जिंदगी को पेश किया है आप उस जिंदगी की तस्वीर को पेश नहीं कर सकते।